तो यार क्या हाल है एंड वेलकम बैक टू अनदर यूजफुल एंड हेल्पफुल वीडियो। मैं हूं डीडी आपका यार, और आज मैं आपको बताने वाला हूं एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, बल्कि 10 ऐसे हिडन फीचर्स iOS 15 में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। स्वागत है आप सबका आई एम डीवाई प्रो यूट्यूब चैनल पे। तो हिडन फीचर नंबर 1 है फाइल्स ऐप में। अब आप जा सकते हैं फाइल्स ऐप में और लॉक कर सकते हैं किसी भी पीडीएफ फाइल को। गाइज यहाँ पे मेरे पास एक पीडीएफ फाइल है iOS 15 के बारे में, इसको मैं बड़ी ही आसानी से लॉक कर सकता हूँ। सिर्फ प्रेस करना है मुझे शेयर बटन पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन मेरे पास आ जाता है लॉक पीडीएफ का, मुझे इस पे करना है प्रेस। और यहाँ पे मैं एंटर कर सकता हूँ कोई भी पासवर्ड और उसको री एंटर करूँगा, और इस तरीके से आप लॉक कर सकते हैं अपने पीडीएफ फाइल्स को फाइल्स ऐप में। अगला जो फीचर है वो भी फाइल्स ऐप में है। अब आप बड़ी ही आसानी से ग्रुप कर सकते हैं अलग अलग फाइल फॉर्मेट्स को। तो यहाँ पे मैं हूँ फाइल्स ऐप में, और यहाँ पे ढेर सारे फोल्डर्स हैं। मैं प्रेस करूँगा इन तीन डॉट्स पे, और यहाँ पे हमारे पास एक नया ऑप्शन है जिसका नाम है यूज़ ग्रुप्स। इस पे करेंगे प्रेस, और आप देख सकते हैं कि सारे फाइल्स और फोल्डर्स ग्रुप हो गए हैं अपने काइंड या नेचर के हिसाब से। अगला जो हिडन फीचर है वो है ओपन लिंक्स इन ऐप। तो यहाँ पे गूगल में मैंने सर्च किया है आई एम डी वाई प्रो, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, और मेरे पास काफ़ी सारे रिजल्ट्स आ गए हैं यहाँ पे। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, इस पे मैं करूँगा लॉन्ग प्रेस, और ऊपर आप एक प्रीव्यू देख सकते हैं। लेकिन नीचे अगर आप देखेंगे तो एक नया ऑप्शन आ गया है जो है ओपन इन इंस्टाग्राम। इस पे करेंगे प्रेस, और ये डायरेक्टली हमें ले जाता है इंस्टाग्राम के ऐप में। नेक्स्ट हिडन फीचर है स्कैन टेक्स्ट इन फुल स्क्रीन। तो मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप कैसे कर सकते हैं स्कैन कैमरा की ऐप से किसी भी ऐप में, जैसे कि नोट्स या मैसेजेस में। लेकिन यहाँ पे एक हिडन फीचर है, तो यहाँ पे मैं करूँगा टैप, और उसके बाद प्रेस करूँगा इस सेंटर बटन पे, और आप देख सकते हैं कि कैमरा एक्टिवेट हो गया है, और आप इस तरीके से स्कैन कर सकते हैं टेक्स्ट को बड़ी आसानी से। लेकिन इसको आप फुल स्क्रीन में भी स्कैन कर सकते हैं। आपको इस बटन को प्रेस करना है और ऊपर इस तरीके से स्वाइप कर देना है, और अब आप देख सकते हैं कि कैमरा जो है वो फुल स्क्रीन में आ गया है, और आप पूरे पेज को स्कैन कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट कम्प्लीटली स्कैन हो गया है। अगला जो हिडन फीचर है वो सफारी में है। अब आप बड़ी ही आसानी से डुप्लीकेट कर सकते हैं अपने टैब्स को या अपने वेबसाइट्स को। तो यहाँ पे मैं सफारी में हूँ, और मैंने गूगल का वेबसाइट ओपन किया हुआ है। अगर मुझे इसे डुप्लीकेट करना है तो उसको मैं बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। मुझे प्रेस करना है इस बटन पे, अब लॉन्ग प्रेस करेंगे इस टैब पे, और इसको नीचे ड्रैग करेंगे इस प्लस बटन पे। यहाँ पे हमें एक ग्रीन कलर का प्लस बटन नज़र आएगा, हम इस टैब को लीव कर देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गूगल का एक और वेबसाइट ओपन हो गया है, और हमने इस टैब को डुप्लीकेट कर दिया है। नेक्स्ट जो हिडन फीचर है वो है कैमरा ऐप में। ये तो आप जानते होंगे कि अगर आप फोटोज़ के सेक्शन में हैं कैमरा के ऐप में, और अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हैं शटर बटन पे, तो आप एक वीडियो ले सकते हैं। इसको कहते हैं क्विक टेक वीडियो। लेकिन अगर आप स्वाइप करते हैं ऊपर की तरफ, तो अब आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से क्विक टेक के ऑप्शन में। क्या आप जानते हैं कि आप प्ले कर सकते हैं अलग अलग साउंड्स, जैसे कि ओशन या बीच के साउंड, अपने आईफोन पे? ये पॉसिबल है iOS 15 में। तो इसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, उसके बाद जाना है एक्सेसिबिलिटी में, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है और चूज करना है ऑप्शन ऑडियो विजुअल का, और यहाँ पे आपके पास एक नया ऑप्शन है जिसका नाम है बैकग्राउंड साउंड्स। इसको आपको एनेबल कर देना है। यहाँ पे आपको काफी सारे साउंड्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि ब्राइट नॉइज, डार्क नॉइज, ओशन, रेन या स्ट्रीम। इसको एनेबल करने के लिए आपको जाना है कंट्रोल सेंटर में, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है और एनेबल करना है हियरिंग वाला ऑप्शन। ये एनेबल हो गया है। इसके बाद जाएंगे होम स्क्रीन पे, और उसके बाद स्वाइप करेंगे ऊपर से नीचे कंट्रोल सेंटर में। यहाँ पे हियरिंग का एक ऑप्शन आ गया है, इस पे करेंगे लॉन्ग प्रेस, और यहाँ पे आप सुन सकते हैं अलग अलग बैकग्राउंड साउंड्स, जैसे कि फिलहाल रेन सिलेक्टेड है। हम प्रेस करेंगे इस पे, यहाँ से आप चूज कर सकते हैं अलग अलग बैकग्राउंड साउंड। आप इसको यहीं से एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे आपके पास एक ऑप्शन आता है, इस पे प्रेस करके आप इसको डिसेबल कर सकते हैं या दोबारा प्रेस करके एनेबल कर सकते हैं। अगले दो हिडन फीचर्स हैं नोटिफिकेशंस के बारे में। अगर आपको आते हैं ढेर सारे नोटिफिकेशंस और आप उनसे परेशान हैं और आप उनको म्यूट करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं iOS 15 में। स्वाइप करना है ऊपर से नीचे और जाना है नोटिफिकेशन सेंटर में। इसके बाद लेफ्ट की तरफ स्वाइप करना है उस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन पे, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन का एक बटन है, इस पे करना है प्रेस, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास ऑप्शन है म्यूट फॉर 1 आवर या म्यूट फॉर द एंटायर डे। iOS 15 में अब आप बड़ी आसानी से कस्टमाइज कर सकते हैं अपने नोटिफिकेशंस को। तो इसके लिए जाएंगे सेटिंग्स में, इसके बाद जाएंगे नोटिफिकेशंस में, और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे एक ऐप। फॉर एग्जांपल मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ जीमेल वाला ऐप, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलाउ नोटिफिकेशंस ऑन है। इसके नीचे एक और ऑप्शन है जो है ऑलवेज डिलीवर इमीडिएटली,
और यहाँ पे एक और ऑप्शन हमारे पास आ जाता है जो है टाइम सेंसिटिव नोटिफिकेशंस। इसको हम एनेबल कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो ऐप्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है उनके नोटिफिकेशंस आपको इमीडिएटली डिलीवर होंगे और ये एक घंटे तक आपके लॉक स्क्रीन पे रहेंगे। और आज का जो लास्ट हिडन फीचर है वो है मैसेजेस में। iOS 15 में अगर आपको कोई लिंक भेजता है मैसेजेस के ऐप में तो आप उस पर टैप करके उसको ओपन कर सकते हैं सफारी में। और यहाँ ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में अगर आप देखेंगे तो आपको दिख जाता है कि किसने आपको ये लिंक भेजा है। इस पर अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हैं तो आप उनको यहीं से रिप्लाई कर सकते हैं या इस लिंक को रिमूव कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना, और यार शेयर करते रहना सबके साथ ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। यहाँ पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना और मुझे डेफिनेटली फॉलो करना इंस्टाग्राम पे, क्योंकि वहाँ पे मैं ऐसे वाले वीडियोस लाते रहता हूँ। यहाँ तक आ गए हो तो यहाँ पे मेरे कुछ और वीडियोस हैं जिनको देख के आप कुछ नया सीख सकते हैं, और यहाँ पे क्लिक करके आप कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब, घंटी दबाना भूलना मत। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ, मैं आपसे मिलने आऊँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।